हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यू जी सीनेट मेटोर आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस आज हमारी क्लास नंबर सेवन्थ है जो हम आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को नोट्स के साथ साथ आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा तो जो क्लासेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं नोट्स के साथ हम क्लासेज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको तो जो गाइज क्लासेस हैं ये सभी क्लासेज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं इससे पहले हम ऑलरेडी सिक्स क्लास कर चुके हैं इन सभी क्लासेस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार इन सभी क्लासेस को गो थ्रू कर लो हमने स्टार्टिंग में एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम में लास्ट सिक्स मंथ या लास्ट वन ईयर में जो भी हुआ है हायर एजुकेशन से रिलेटेड वो सभी हमने डिस्कस हम किए थे विद एक्सप्लेनेशन तो गाइज काफी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं अभी तक नहीं देखा आप लोगों ने तो इन सभी क्लासेस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप उन्हें एक बार चेकआउट कर लेना आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक uh, है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो इसके प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आज हम ओनली बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है सो तो काफी ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी छोटी सी क्लास रहने वाली है ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट से एज यू ऑल नो माई नेम इज मोहम्मद आजम एंड आई एम एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जे जे एस आई पी यूनिवर्सिटी न्यू डेली एंड गाइज दिस इज माई क्वालिफिकेशन एंड गाइज वन मोर थिंग अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उस रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ ओके सो गाइज आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले समझ लेते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है सो द कंट्रोल और द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग फॉर एग्जांपल अ सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस आप अगर किसी चीज को मैनेज कर रहे हो दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है वो कुछ भी हो सकता है वो एक सिस्टम हो सकता है या फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फिर वो एक बिजनेस हो सकता है तो इसे क्या कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं ओके मतलब सिंपल सी सिंपल से वर्ड्स में इसको क्या कहेंगे हम मैनेज करना चीज़ों को सो नाउ ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो इसके वर्ड से ही पता लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक मतलब पब्लिक के चीजों को यानी पब्लिक को मैनेज करना तो कौन करता है मैनेज गवर्नमेंट करती है मैनेज तो गवर्नमेंट कैसे करती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स हैं तो इन सब चीजों का यूज करके जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन करती है सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज स्पेसिफिकली इट इज एंड इट इज द प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ताकि जितनी भी पब्लिक है उन सभी का वेलफेयर किया जा सके और इन सभी एक्टिविटी uh, का करना लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्लान करना ऑर्गेनाइज करना डायरेक्टिंग करना उनका कॉर्डिनेशन करना कंट्रोल करना ठीक है जितने भी गवर्नमेंट ऑपरेशन होते हैं गवर्नमेंट तरह तरह की जो चीजें करती है पब्लिक के लिए इन सभी चीजों का मैनेज करना तो ये आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा जो बच्चे यहाँ पर कॉमर्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से उन लोगों ने पढ़ा होगा जो इसकी डेफिनेशन होती है मैनेजमेंट की जो आप बिजनेस स्टडी की आप अगर आप अगर लोगों ने बिजनेस स्टडी पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में तो वहां पे डेफिनेशन होती थी व्हाट इज मैनेजमेंट तो वहां एक इस तरीके से एक प्रोसेस होता है मैनेजमेंट एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू चीजों को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है ओके सो so, वैसे यहां पर हम क्या करते हैं गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट के ऑपरेशन होते हैं उनको हम मैनेज करते हैं कंट्रोल करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है पब्लिक सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जो बात की गई है वो पब्लिक के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है यूज उस, उसकी बात की जा रही है ना कि आपके प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की तो यहां पर हम ट्रेन की बात कर सकते हैं ठीक है ट्रेन की ट्रांसपोर्टेशन या जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है लाइक डीटीसी है दिल्ली में डीटीसी है ठीक है ऐसे इस तरीके की जो सर्विसेज हैं जो पब्लिक के लिए चलाई जाती हैं पब्लिक के यूटिलिटी वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक हेल्थ में आ जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एजुकेशन में आ जाएंगे स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज तो ये जो सारी चीजें हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के का एक एग्जाम्पल है ओके आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है गाइज फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके पूछेंगे तो मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा एंड गाइज आपको चीजें समझ में आती हैं फिर आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगते हैं प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताया करें इससे मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर क्रिएट करने में ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है किसी इकोनॉमी के अंदर सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वेलफेयर स्टेट वेलफेयर को ठीक करने के लिए आई मीन वेलफेयर करने के लिए और जो वेलफेयर के लिए एक्टिविटी की जा रही है उन, उनको मैनेज करने के लिए उनको मॉनिटर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होना जरूरी है

टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर एज वेल एज प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओके सो नाउ दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपीडेटेड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके यहाँ पर जो सिटीजन है उन सभी के अंडर जो है वो पीस रहे मतलब शांति बनी रहे कंट्री में और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे इसके अलावा जो उसके कंट्री के सिटीजन हैं उनकी लाइफ जो है वो सुरक्षित रहे प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे तो इन सब चीजों को लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है तो ये सब इंप्लीमेंट कैसे होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ओके नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टूल फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट बिकॉज इट हैज टू प्लान मेनी थिंग्स फॉर सोशल वेलफेयर मेक न्यू लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन दैम सो इट इज अ टूल फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट गाइज अगर इकोनॉमी के अंदर किसी कंट्री के अंदर चेंज लाना है तो गवर्नमेंट को रूल बनाने होते हैं और उस रूल को फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना होता है तभी चेंज आता है इकोनॉमी के अंदर तो ये जो आपके रूल होते हैं किस तरीके के होते हैं देख लेते हैं एक बार फॉर एग्जाम्पल लॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी पहले इंडिया में बहुत छुआछूत चलता था कि जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उन टच नहीं करता था तो जो अनटचेबिलिटी था उसको खत्म किया गया डाउरी सिस्टम को खत्म किया गया एंड लॉस फॉर द वीकर सेक्शन लाइक लेबर विमेन एंड चिल्ड्रेन तो इन सभी के लिए इन सभी चीजों का वेलफेयर करने के लिए चीजों को ठीक करने के लिए रूल बनाए गए और उन रूल को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है बिकॉज गवर्नमेंट ने रूल तो बना दिया है लेकिन गवर्नमेंट इन रूल को फॉलो कैसे करवाएगी इनको कंट्रोल और रेगुलेट कैसे किया जाएगा तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो इन सब चीजों को रेगुलेट और मॉनिटर करता है चीजों को मैनेज किया जाता है ओके नेक्स्ट वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन तो गाइज एज ए डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि इसमें लोग काफ़ी सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं अपनी स्टडी कर रहे हैं और इसके अलावा साथ में अपना इसमें जो है करियर बनाना चाहते हैं एज ए स्टडी आई मीन एज ए टीचर बनना चाहते हैं इस फील्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डोमेन बन गया है आज के टाइम पे बहुत बड़ा डोमेन है इंडिया में और विदेशों में भी इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है रिसर्च हो रिसर्च होती रहती है और काफ़ी लोग इसमें करियर बनाना बनाना चाहते हैं आई मीन एज ए लोग अपना टीचिंग करना चाहते हैं इस फील्ड में या फिर हम कह सकते हैं कि फर्दर जॉब करना चाहते हैं इस फील्ड में ओके okay? तो आई थिंक सभी लोगों को जो है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एज ए डिसिप्लिन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है और क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका ही है क्योंकि आज के टाइम पे इसके ऊपर लोग काफी स्टडी कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं लोग इसमें जॉब ढूंढ रहे हैं सर्च कर रहे हैं लोग जॉब भी क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट इसके अंदर ओके okay? सो so गैज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसे लगते हैं प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताया करें सो गाइस फाइनली कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मेरे पास अवेलेबल है एमसीक्यूज हैं इसके अंदर और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है टू दी पॉइंट एक्सप्लेनेशन है इधर उधर की चीजें नहीं है विद इन टाइम लिमिट आप इन नोट्स को कवर कर सकते हैं ओनली वन एट्टी पेजेस के नोट्स हैं और कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं आई मीन हर एक टॉपिक को हमने इसके अंदर कवर किया है एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करना का इस कॉल में पिक नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ मुझे कॉलेज में भी पढ़ाना होता है डे डे टाइम में और इवनिंग में मुझे यूट्यूब के लिए लेक्चर क्रिएट करने होते हैं तो मैं काफ़ी टाइम पर बिजी रहता हूँ तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे दैट इज़ प्रेफरेबल आप लोग मुझे सिंपल व्हाट्सअप करेंगे रिगार्डिंग की मुझे असिस्टेंट uh, रजिस्ट्रार के नोट्स के लिए रिक्वायरमेंट है या कोई इक्वायरी करनी तो आप मुझे लिखेंगे तो मैं वहां आप पर आप आपको रिप्लाई करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा सो वेज इन नोट्स को फॉलो करते हुए आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे बिकॉज एग्जाम जो भी है कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है एग्जाम ओरिएंटेड इन द सेंस कि किसी भी टॉपिक को हम कितना भी पढ़ें तो कम होगा लेकिन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बनाया गया है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन उस तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है सो इन नोट्स में हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने यहां पर एमसीक्यूज भी डाल दी है अराउंड थ्री हंड्रेड एमसीक्यूज है 300 पड़े हैं इसके और उनका एक्सप्लेनेशन भी है दो सौ एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन है आई मीन आंसर के नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों इसका आंसर ऐसा है और फर्दर हंड्रेड एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस पर्पज के लिए है तो ये कंप्लीट आपका जो सेक्शन बी पार्ट है वह यहाँ से आप कवर कर सकते हैं सेक्शन बी पार्ट की स्टडी आपकी अच्छे से हो जाएगी और गाइज यहाँ पर हम नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम ताकि आपकी हेल्प होती रहे हम आपको कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे एग्जाम तक आपको कोई क्वेरी है आप अगर नोट्स ले लेते हैं और नोट्स में कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी क्वेरी का सोल्यूशन ले सकते हैं सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद ऑल एयर इग्नू एसपीरेंट एंड सब्सक्राइब फॉर यू जी सी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स गाइज नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो सोशन विद दिस चैनल एंड आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा सोज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी सिटमेंट और थैंक यू सो मच